हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स का सेट 4 लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सब्सटेंस विच लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस एट वेरी लो टेम्परेचर आर कॉल्ड। जो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है वो लूज करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है गुड कंडक्टर्स, सेकंड सेमीकंडक्टर्स, थर्ड डायलेक्ट्रिक्स एंड फोर्थ इज सुपरकंडक्टर्स। इसका सही आंसर है फोर्थ, सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टिविटी इज ए फेनोमेनन ऑफ एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑकरिंग इन सर्टन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड बिलो कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डच फिजिस्ट हिक कैमरलिंग ओनस ऑन April 8, 1911 इन लीडेन। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम टेम्परेचर में, उन्हें हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट, आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आइंस्टाइन को नोबल प्राइज दिया गया किस बेसिस पर? फर्स्ट ऑप्शन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन ग्रेविटेशनल इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन क्वांटम इफेक्ट। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिए गए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू मेन टॉक ऑन मून। जब दो लोग मून पे बात करते हैं, ऑप्शन है दे हियर रीच अदर विथ लोअर फ्रिक्वेंसी, एक दूसरों को वो सुनते हैं लेकिन लो फ्रिक्वेंसी के, दूसरा ऑप्शन दे हियर रीच अदर विथ हायर फ्रिक्वेंसी, वो एक दूसरों को सुनते हैं हायर फ्रिक्वेंसी से। दे कैन हियर रीच अदर एज सच, मतलब जैसे हम पृथ्वी पे बोलते हैं और बातें करते हैं उसी तरह से वो सुनेंगे और बोलेंगे। दे कैन नॉट हियर रीच अदर एट ऑल, वो एक दूसरों को सुन ही नहीं सकते। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, दे कैन नॉट हेयर ईच अदर एट ऑल, मून पे वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं सुन सकते। एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए जो मीडियम की ज़रूरत होती है वो उनके पास है नहीं, इसलिए मून पे वो एक दूसरे को सुन ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इन माउंटेन्स बिकॉज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। माउंटेन्स पे एटमोस्फेरिक लो प्रेशर लो होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ता है? डिक्रीजेस होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर, इंक्रीजेस होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, या में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, रिमेन्स द सेम या फिर सेम ही रहेगा। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, डिक्रीजेस। द हायर द प्रेशर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एट लोअर द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम्स डाउन। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा, इसलिए माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो नीचे गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, बस सेंट्रीफ्यूगल एक्शन वी कैन सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से हम पार्टिकल्स को डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, कौन से? कलर्स, डेंसिटीज, मासेस और साइजेस। इसका सही आंसर है सेकंड, डेंसिटीज। बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन वी कैन सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। जो डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के मदद से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच लिस्ट वन करेक्टली विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट ये क्या है? एनीमोमीटर, सेकंड एमीटर, थर्ड टैचोमीटर, फोर्थ पायरोमीटर, और लिस्ट सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ रोटेशन, हाई टेम्परेचर, विंड स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर डिफरेंस। तो हमें अच्छे से मैच करना है एनीमोमीटर किस से जुड़ता है, फिर उसके बाद एमीटर क्या है किस से जुड़ता है, टैचोमीटर, पायरोमीटर, यानी कि इनके फंक्शंस क्या है। एनीमोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, विंड स्पीड के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए या फिर प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए। एमीटर किसके लिए होता है? तो सबसे पहले हमें जो सिमिलर दिख रहा है एमीटर,
एमिटर एक ही जोड़ी हमें एक या दो ही जोड़ी यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, बहुत ही कम है, हमें यहाँ पे 3 जोड़ी ढूंढनी पड़ती है यहाँ से निकालने के लिए। तो बी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो बी फोर यहाँ पे दो ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ, तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो और एक बार हमें ढूंढना पड़ा यहाँ पे टैचोमीटर देखिए, टैचोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन को यहाँ पे मेजर करता है, तो इसका सही आंसर है सेकंड। एमिटर एमिटर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, सबसे पहले एनेमोमीटर एनेमोमीटर करता है विंड स्पीड को, उसके बाद एमिटर इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, टैचोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन को, एंड पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज मोर इविडेंट देन दैट ऑफ लाइट वेव्स। तो डिफ्रैक्शन होता है साउंड वेव्स का, ये मोर इविडेंट है, इसके एविडेंस ज़्यादा है लाइट वेव्स के डिफ्रैक्शन से। रीजन, साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। इसका रीजन ये दिया गया है कि साउंड वेव्स ये लॉन्जिट्यूडनल है और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स है। ऑफ दिस स्टेटमेंट, इन इन दो स्टेटमेंट से क्या सही और क्या गलत है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। फोर्थ, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रमन इफेक्ट इज ड्यू टू, तो रमन इफेक्ट ये किससे होता है? सनलाइट, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, सनलाइट वाइट ग्लास प्रिज्म है, कलर रेड ऑरेंज येल्लो ग्रीन ब्लू वायलेट। रमन इफेक्ट ये किससे होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, डिस्पर्शन इफेक्ट से, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। तो रमन इफेक्ट किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन इफेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका सही आंसर है फर्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका एक्सप्लेनेशन, रमन इफेक्ट इज अ चेंज ऑफ वेवलेंथ एग्जिबिटेड बाय सम ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड इन ए मीडियम। द इफेक्ट इज स्पेसिफिक टू द मॉलिक्यूल्स विच कॉज इट एंड सो कैन बी यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो इस तरह से जो स्कैटरिंग रमन इफेक्ट होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस फेनोमेनन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डायमंड शाइन्स ब्राइटली बिकॉज इट हैज। डायमंड ब्राइटली शाइन होता है क्योंकि इसके पास लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लो क्रिटिकल एंगल है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्रिटिकल एंगल है। थर्ड, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लो क्रिटिकल एंगल है। फोर्थ, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हाई इलेक्ट्रिकल हाई क्रिटिकल एंगल है। इसका सही आंसर है थर्ड, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लो क्रिटिकल एंगल। डायमंड्स गेट देयर ब्रिलियंस फ्रॉम द 3 थिंग्स, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज डिस्पर्शन। रिफ्लेक्शन इज द लाइट दैट हिट्स द डायमंड एंड इज इमीडिएटली बाउंस्ड बैक अप गिविंग इट एन इंस्टेंटेनियस शाइन। डायमंड्स आर एक्सपर्टली कट एंड पॉलिश टू मैक्सिमाइज द डायमंड्स नेचुरल ब्रिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉन कंडक्टर्स हुज पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज। जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं जिनकी पोलराइजेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है आर नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन सेमी कंडक्टर्स, सेकंड सुपर कंडक्टर्स, थर्ड रेजिस्टिव कंडक्टर्स एंड फोर्थ इज डाइलेक्ट्रिक्स। इसका सही आंसर है डाइलेक्ट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन। इसका रीजन ये, अ डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है दैट कैन बी पोलराइज बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे क्या होता है? पोलराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज हाईली पॉलिश मेनली टू। जो बेस होता है इलेक्ट्रिक आयरन का वो हाईली पॉलिश होता है क्योंकि मेक्स इट स्मूथ एंड फ्रिक्शन लेस दैट इट गिवस कम्फर्टेबल आयरनिंग एक्सपीरियंस। सेकंड, मेक इट रश प्रूफ हिंस टू एक्सटेंड इट्स लाइफ। थर्ड, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। फोर्थ, मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, रिड्यूस हीट लॉस बाय रेडिएशन। पॉलिश सर्फेसेस आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ हीट।
जो पॉलिश सर्फेसेस होते हैं वो पुअर रेडिएटर रेडिएटर्स ऑफ हीट होते हैं, जिसके कारण जो हीट लॉस होता है वो कम हो जाता है रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डीसी पावर इनटू एसी पावर आर कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्टर्स, सेकंड ट्रांसफार्मर्स, थर्ड इन्वर्टर्स, फोर्थ रेक्टिफायर्स। इसका सही आंसर है थर्ड, इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स आर अपराटस विच कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इंटू अल्टरनेटिंग करंट। इन्वर्टर्स क्या होते हैं? वो अपराटस होते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कन्वर्ट्स करते हैं डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोव इज मेड अप ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोव का वो किससे बना होता है? सबसे पहला ऑप्शन कॉपर, सेकंड ऑप्शन प्लैटिनम, थर्ड ऑप्शन निक्रोम एंड फोर्थ इज टंगस्टन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन निक्रोम। एक्सप्लेनेशन है निक्रोम। मोस्ट रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट्स यूज निक्रोम 80-20। 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है, उसे निक्रोम कहा जाता है। वायर, रिबन और स्ट्रिप, निक्रोम 80-20 इज एन आइडियल मटेरियल बिकॉज इट हैज रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस एंड फॉर्म्स एन एडरेंट लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड व्हेन इट इज हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक्सप्लेनेशन ये है निक्रोम मोस्ट रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट। ये मोस्ट रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट है। जो मोस्ट रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? निक्रोम। निक्रोम क्या होता है? तो 80-20 वायर होता है, 80% निकेल उसमें होता है और 20% क्रोमियम, और इसे ये रिबन भी कहा जाता है, स्ट्रिप भी कहा जाता है। निक्रोम स्ट्रिप, निक्रोम वायर या निक्रोम रिबन। निक्रोम 80-20 इज एन आइडियल मटेरियल। ये एक आइडियल मटेरियल बिकॉज इट हैज़ रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है। फॉर्म्स एन एड्रेंट लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ये एड्रेंट लेयर फॉर्म करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की व्हेन इट इज हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ये पहली बार गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। जो सबसे कम डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए वो कौन सा होता है, मतलब अच्छी तरह से हमें दिखाई दे इसके? फर्स्ट ऑप्शन 15 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 15 मीटर, थर्ड ऑप्शन 25 मीटर, फोर्थ ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस जो डिस्टिंक्ट विजन का होता है जहाँ से हमें अच्छी तरह से दिखाई दे सकता है वो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे यू इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। ओ जो देखिए हमें आयरिस, रेटिना, आई, आर, आई, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं उसे, और ये जो नीचे दिया गया थोड़ा सा बलेट टाइप निकल गया है वो यहाँ पे नर्व होती है। तो ये देखिए यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर लेस देन वो डिस्टिंक्ट विजन होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद ए 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल, मतलब उतना रेजिस्टेंस अगर हमने पैरेलल में रखा विद ए 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज, मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस हमने वहाँ पे पैरेलल में रखा है तो हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम दिखने चाहिए, तो वो कितने हो गए? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम या 8 ओम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 ओम। जब हम रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद ए 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज 6 ओम, मतलब अगर हम 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ 6 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखेंगे तभी हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 ओम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय। एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट निकोलस, सेकंड अलेक्जेंडर वोल्टा, थर्ड ऑरविली एंड विल्बर राइट, फोर्थ इगोर सिकोर्स्काय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑरविली एंड विल्बर राइट ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। तो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? ऑरविली एंड विल्बर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोफाइल। थर्मोफाइल इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट पेल्टियर इफेक्ट, सेकंड सीबैक इफेक्ट, थर्ड जीमैन इफेक्ट एंड फोर्थ क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, क्रॉम्पटन इफेक्ट।
इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो प्रिंसिपल होता है थर्मोफाइल इस इंस्ट्रूमेंट का, जिसे बना होता है और जिस पे वर्क करता है, वो है क्राउटन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, मतलब लाइट की स्पीड हवा में कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 8 × 10�³ मीटर पर सेकंड या इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स मूव इन। अगर हम केपलर के फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को ध्यान में रखें तो प्लैनेट्स मूव इन, प्लैनेट किस दिशा में बढ़ते हैं या फिर मूव होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइंस, सेकंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, फोर्थ और पैराबोला। तो इसका सही आंसर है सेकंड, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई, फोकाई यानी कि फोकस सेंटर। ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन यानी कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्डर, इलिप्टिकल ऑर्डर यानी शेप में घूमते हैं। हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोसाई, सन उनका सेंटर होता है सभी प्लैनेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ सब्सटेंस इज कलर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक सब्सटेंस को उसका कलर किसके ऑब्जॉर्प्शन से मिलते हैं, मतलब कौन क्या ऑब्जर्व करके उस सब्सटेंस को कलर मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन यूवी लाइट, सेकंड ऑप्शन विजिबल लाइट, थर्ड ऑप्शन आयर रेडिएशन, फोर्थ ऑप्शन माइक्रोवेव रेडिएशन। तो एक सब्सटेंस को उसका कलर किसके ऑब्जर्वेशन से मिलता है, यूवी लाइट के, विजिबल लाइट के, आयर रेडिएशन के या माइक्रोवेव रेडिएशन के। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करके सब्सटेंस को उसका कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ द लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। जो रेशियो होता है लीनियर स्ट्रेस से लीनियर स्ट्रेन का बॉडी का, वो क्या उसे क्या कहते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या हुक्स मॉडुलस। इसका सही आंसर है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस विच इज ऑल्सो नोन एज द इलास्टिक मॉडुलस, उसे इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है। इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है लीनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल्स की। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल डिफॉर्मेशन इन ए मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द सम सेम टोटल वेट एंड द सेम फ्यूल सप्लाई अ मल्टी स्टेज रॉकेट इज प्रेफर टू ए सिंगल स्टेज रॉकेट बिकॉज। अगर हम सेम टोटल वेट और सेम फ्यूल सप्लाई इन दोनों को ध्यान में रखें तो मल्टी स्टेज रॉकेट इज प्रेफर टू ए सिंगल स्टेज रॉकेट बिकॉज। मल्टी स्टेज रॉकेट और सिंगल स्टेज रॉकेट इन दोनों में से मल्टी स्टेज रॉकेट को प्रेफर क्यों किया जाता है, अगर हम दोनों का वेट और सेम फ्यूल सप्लाई को ध्यान में रखें तो। इट इज चीपर टू बिल्ड अ मल्टी स्टेज रॉकेट, इट इज इजियर टू असेंबल ए मल्टी स्टेज रॉकेट, द फाइनल वेलोसिटी अचीव बाय मल्टी स्टेज रॉकेट इज हायर, और फोर्थ इज मल्टी स्टेज रॉकेट इज सेफर टू लॉन्च, वो सेफर होता है मतलब वो सुरक्षित होता है लॉन्च करने में। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, मल्टी स्टेज रॉकेट इज सेफर टू लॉन्च, वो सेफर होता है सिंगल स्टेज रॉकेट से लॉन्च करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ 27 डिग्री सेल्सियस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम किस आंकड़े से एक्सप्रेस करेंगे केल्विन में, तो वो आंकड़ा है 300 केल्विन, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में एक्सप्रेस करें तो उसे हम 300 केल्विन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन टू रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर हम दो रेजिस्टर को दोनों का रेजिस्टर 10-10 ओम है, अगर हम उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी, दोनों का इफेक्टिव वैल्यू कॉम्बिनेशन क्या होगी। फर्स्ट 4 ओम, सेकंड 5 ओम, थर्ड 6 ओम, फोर्थ 7 ओम। जिसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन ऑप्टिक्स द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर ए मिरर इज। जो रिलेशन होता है ऑप्टिक्स में यू वी और एफ के बीच में वो क्या होता है। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी,
थर्ड ऑप्शन वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू स्लैश वन अपॉन वी, फोर्थ ऑप्शन वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ स्लैश वन अपॉन यू। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। तो इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चन खत्म कर लिए फिजिक्स के सेट 4 के। अगले एपिसोड में हम या फिर अगले वीडियो में हम फिजिक्स का फिफ्थ सेट लाएंगे। तब तक के लिए अपनी मोटिवेशन को बनाए रखिए, स्टडी हमेशा कंसिस्टेंसी करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका सपोर्ट, आपके प्यार की ज़रूरत है हमें। धन्यवाद, थैंक यू।